साथ फरमाते हैं जी भट्टो का दौर था, इसने एक वफद भेजा जापान, जाओ देख के आओ कि ये क्या करते हैं जापानी, बम भी खाता, जलजले भी, सुनामी भी, फिर भी तरक्की, मांगने नहीं गए, भिखारी नहीं है, कशकोल नहीं है, चोली नहीं है, फिर भी तरक्की, जाओ देख के आओ ये करते क्या है। और मैं जी पीछे यूरोप का दौरा करके आया हूँ, वो तो मैं उस्तादों की बात सुनूं जो मैंने खुद एक दोस्त से सुनी। वो कहते कि मैं जापान काम करता था, फिर वो बाद में इंग्लैंड आ गए, वहां एक जापानी लड़की से कोई उनका मामला हो गया, दोनों ने आपस में शादी का इरादा कर, डेट फिक्स हो गई, शादी हम कर रहे थे बस, उसने भी जनाब वो रूसी जोड़ा पहन रखा है, कहते मैं भी तैयार था, गाड़ी पे बैठ के ना हम शादी करने जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह रुके, मैंने दुकान पे गया कुछ चीजें लेनी थी, साथ मैंने बबल ली, गाड़ी में आके बैठा, ठीक है जी, बबल खोली, बबल मुंह में डाली और इसका जो रैपर है ना वो मैंने बाहर सड़क पे फेंका। वो कहते जापानी गाड़ी, वो सौरत ने कहा रोको गाड़ी, मैंने गाड़ी रोकी, वो गाड़ी से उतरी, कोई बात नहीं की, चली गई। मैं हम तो शादी करने जा रहे हैं, ये क्या रास्ते में छोड़ के चले, मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं भी नहीं पीछे गया ना कॉल की, जाती है तो जहन्नम में जाए। इसको 3-4 साल बाद एक जगह मुलाकात हो गई आपस में, मूड उसका भी अच्छा था, मेरा भी अच्छा, उसने भी शादी कर ली थी, मैं भी पाकिस्तान आके शादी कर चुका था। मैंने सिर्फ उसे इतना पूछा उस दिन क्या हुआ, शादी करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या जिन आया तुझने रास्ते में छोड़ के चली गई। जरा सुनना, स्पेशल मैं नौजवानों से मुखातिब, बेटा कौमें ऐसे नहीं बनती। उसका जवाब क्या था, उसने कहा मैं तुम्हें इसलिए छोड़ के चली गई कि तुमने बबल खा के उसका रैपर सड़क पे फेंका। जो बंदा सड़क साफ नहीं रख सकता वो मेरा घर कैसे साफ रखेगा। और मेरी मेरी अपनी सुन लो भाई, पाकिस्तान वालों साड़ी सुन लो, सड़क की तो बात रह गई बाद में, अगर इस तरह ना हो जो सजा दोगे सुलेमान मिसबाही भुगतने को तैयार है। 75 सालों के बाद हम पाकिस्तानी आज भी इधर ही खड़े हैं, सड़क तो रह गई दूर, कल 10वां 40वां सालाना खत्म पे जो फल मिलता है हम उसके छिलके भी मस्जिद ना हो मजरमदार, ना हो मैं जुर्मदार। सुबह आ जाओ मैं तुम्हें ले चलता हूं किसी खत्म पे, गली की बात तो छोड़ो, इस कौम को तो आज तक इतना भी नहीं आया कि अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर, केले के छिलके मस्जिद में, खरबूजे के छिलके मस्जिद में, आलू बुखारे की गिटक मस्जिद में, खरमानी की गिटक मस्जिद में। और वो सिर्फ इस बात पे छोड़ के चली गई कि तूने रैपर सड़क पे क्यों फेंका। कौमें ऐसे नहीं बनती, कौमें ऐसे नहीं, दुखी दुखी है। ये हजरत मुझे कह रहे थे लंगर के लिए, अल्लाह करे कौम लंगर जुबार आ जाएगी तेरे। सबसे ज्यादा अम्मा आयशा फरमाती है नबी पाक अलैहिस्सलाम को ना पसंद ज्यादा खाना था। अम्मा आयशा फरमाती है नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सबसे पहला बुरा काम जो उम्मत में शुरू हुआ वो ज्यादा खाना था। इस कौम का रह ही खाना, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं जी मैंने 4 रोटियां बनाई, कितनी जी 4 रोटियां बनाई, एक हजरत अली पाक, एक इमाम हसन मुस्तफा, एक इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा, कहती चौथी मेरी थी। फरमाती पास बैठ के तीनों को एक एक रोटी खिलाई, तीनों ने खा ली। जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं है यार, ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं। लेकिन कौम के पास रह के गया रोटी, मेरा रोज का काम है, आज अच्छी आया ना कल मैं शकरगढ़, रोज एक दुखी दिल लेके उठता, 3 घंटे 4 घंटे की सोहनी महफिल बाद में फिर क्या होने, चौलों का एक छापर लैन नहीं सी एक दूजे नूं धक्के मारने, बात गलत तो नहीं की, बात गलत तो नहीं की, असीं अज वी इत्थे खलोते रहे एक चौलों का छापर लैन असीं धक्के मार, लड़ाई नहीं होनी, हम आज इधर ही खड़े हैं। उन्होंने पूरे चांद की तलाशी ले ली, उन्होंने पूरा मरीज टटोल लिया, कायनात के राज जानने में वो लगे हुए, और हम
फरमाती हैं अपनी रोटी का आधा दिया, थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में सब पता था आपको, फिर भी पूछा फातिमा ये क्या? हर्ष की अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम चार रोटियां बनाई थी, एक हजरत अली, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीनों अपनी अपनी खा चुके, ये मेरी रोटी थी। खाने बैठी दिल में ख्याल आ गया, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं, अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई। लिखा है महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए, फरमाया फातिमा तीन दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया है। निकलो यार रोटी से बाहर थोड़ा सा, और याद रखना जी भूख कभी अपना ही मिला कमजोर कर देती है, देखो ना कक कर नहीं रहा था। पाकिस्तान का मनिया खतीब हो भूख कमजोर कर देती है, लेकिन अंदर को इतना ताकतवर करती है मैं आपको बता नहीं सकती, दिल चमका देती है, रूह को ताकत देती है। ज्यादा खाने से जिस्म तो ताकतवर हो जाएगा, दिल भी मर जाएगा, रूह भी मर जाएगी। याद रखना आज तक किसी भूखे ने खुदा होने का दावा नहीं किया, जब भी कीता है रज्जे ने कीता है। फिरौन रज्जिया, नमरूद रज्जिया, शद्दाद रज्जिया, किसी भूखे ने खुदा होने का दावा नहीं किया, जिन्हें भी कीता है रज्जे ने कीता है। भूख तो तोड़ दी है, भूख तो जी थोड़ा सा निकल आओ, रोटी हमारे लिए है, हम रोटी के लिए नहीं है, जिंदा रहने के लिए खाओ, इन हम खाने के लिए जिंदा है, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं। फिर उसका नतीजा क्या है, अस्पताल भरे पड़े, डॉक्टरों की चांदी हुई पड़ी, आज आ जाओ नबी पाक अलैहि सलाम के तरीके मुबारक के मुताबिक जनाज रजिए अस्पताल ले लियो, मैं जुर्मदार हूं, मैं जुर्मदार हूं। मेरे महबूब अलैहि सलाम ने सारी जिंदगी तीन उंगलियों से खाया, खा के वेखो खाते ही जाना, तीन उंगली ने किन्ने के चोल लवोगे, लेकिन असी खाने बुबकां दे नाल, बुबकां पर पर सुटने। महबूब ने सारी जिंदगी तीन उंगलियों से खाया, खा ही नहीं सकते, तू एक प्लेट चोल पा लेने धड़को भी नहीं मुकने, तीन उंगलियों में कितने लोग है जी, थोड़े चावल जाएंगे उनको चबाओगे, हम क्या करते हैं सुटी जाने, दंदा का काम मेदे कलू, मेदे का काम आंदरा को, डॉक्टर की चांदी, सारे मेदे के मरीज, जिगर खराब, गुर्दे खराब, वो मशीनरी है उसको भी तो रेस्ट चाहिए, खा बस जो तक ही सौन ही ना जाते उन्नी देर तक रेस्ट सुते ही है, जान छुट जाए, बाकी जिनी देर जीते हैं ना होश में चांसी असी। अम्मा आयशा फरमाती सबसे पहली बिदअत जो सुम्मत ने जारी हुई वो ये थी, लोगों ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, इसलिए सोनी माफल, लेकिन की होना एंड ते चावलों का एक छापर लैन ले असी लड़ना। ऐसा पता मुझे दुख किस बात का होता है, यहां तो उधर जी ऐलान होना भाई आज माफल के एंड पे जो चावल बांटे जाएंगे वो जन्नत से आए हैं, चलो फिर तो लड़नी समझ आ, लड़ना समझ में आया तुम्हारा भाई, वही चावल है जो रोज अपने अपने घरों में खाते, ना मस्जिद का तकद्दूस ना माफल का। इसलिए पुत्र शायद आपको मेरी ये बातें बुरी लग रही, लेकिन अब अगर हम नहीं ना करेंगे ये बातें तो काम खराब, कम आगे बड़ा खराब हो चुका है, खुशामदों ने बेड़ा गर्क कर दिया, खुशामदों ने बेड़ा गर्क, जो हमारा काम था हमने किया ही नहीं। मैं उस दिन लाहौर था, ऐसे हम बैठे थे जैसे हजरत तशरीफ फरमाए साथ, मैं बैठा था, बुजुर्गों का काम होता है ना बड़े तरीके से, वो बड़े तरीके से ना हजरत मेरी तरफ झुके और मेरे कान में कहते हैं सुलेमान मैं जी जी फरमान लगे उम्मत तबाह हो गई, खतीब अली मदियां बकरियां तो गई नहीं गए, उम्मत तबाह हो गई, खतीब अली मदियां बकरियां तो गई उठे खलो, याद ही नहीं रहा कि ज़ुल्फ़िकार भी है, याद ही नहीं रहा कि साथ भी नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तीर कमान भी है, किसी को हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नेज़ा याद ही नहीं रहा। सीखो, उठाओ
اب ذرا سنو ہمارے بزرگ روٹی تے چھٹو نہ لگی تے گل رہ گئی پیچھے کے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی کئی سال گزر گئے میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا کیا کھانے کو کر رہا تھا اڑی رسیاں تے ٹنگی ہوئی تھی کھانا مفلی والی دکان تے بھی جاؤ تو وہ انجیر اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ایم عام سا میوہ ہے اس کے نام پہ باقاعدہ قرآن پاک میں ایک سورت موجود ہے صرف اس پہ اکتفا نہیں پھر اس کے نام کی قسم بھی کھائی گئی وتی پھر اس پہ اکتفا نہیں جب محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انجیروں کی تھال پیش کیا گیا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے انجیروں کو دیکھ کے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ویسے پھل کو تو گازن کھانا چاہیے لیکن حضرت جنید کیا فرماتے ہیں کئی سال ہو گئے میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا اور جنید اپنے دل سے لڑ رہا تھا نہیں دینی حضور بولے شاہ روک کہتے ہیں نا کہتے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں جا جا پڑھتے مندر مسیتی کدی من نہ پڑھے وچ وڑیا ہی نہیں ایویں ہی لڑتا ہے شیطان دے نال بندیا کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں وہ نفس سے لڑتے تھے ہم آپس میں لڑتے ہم ہمارے نوجوان اچھے خاصے جا رہے ہیں ایک سیونٹی ادھر سے آ رہی ہے کدھر سے آ رہی ہے بس کو تھوڑی سی ہوئی ہے بچ گئے آپس میں لگتے لگتے بچ گئے اللہ نے دونوں کو رکھ دیا لیکن اٹھ کے پھر بھی لڑ پڑے اللہ انہیں یہ چاہیے تھا اسمائل دیتے اور چلے جاتے اللہ نے بچا دیا اور ہو کیا رہا ہے اس نے بھی فون نکالا ہوا ہے وہ کہہ رہا ٹھہر ذرا کھلو نہیں اور پہنچو لڑائی ہو گئی بھائی تو ایڈا کھلوانا تھا آپ کر جو کر رہی ایڈا کھلوانا تھا آپ کر جو کر رہی اور پتر یہ ہماری مردانگی کا یہ حال ہے 75 سال ہو گئے میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جموں کشمیر 75 سال ہو گئے وہ آپ کار میرا نام لے لے کے رو رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اوتھے کسی کو مردانگی بکھائی نہیں گئی رہ گئے ایک دوسرے لیے ایڈے ہو جاؤ تم اوتھے کرو ہم سارے وہ آج بھی فلسطین والے تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لیکن ان کو کیا پتا یہ اب کسی سے نہیں لڑ سکتے یہ آپس میں لڑتے ہیں اللہ اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن اسی رہ گئے ایک دوسرے نمبر دار کیا مکان لے او بھی رونڈے دنے او بھی رونڈے دنے 75 سال ہو گئے چلو جی اتھے تو میں کہوں کوئی ادھر مان لیا نا جی کئی ہزار کلومیٹر دور 75 سال ہو گئے تمہارا نام لے لے کے وہ رو رہے ہیں آج کشمیر بنے گا پاکستان اور چھڈو اے ٹک ٹاک کان جو گے جے ہوں پھر بنا بیٹھے کشمیر نو پاکستان یہ ان ٹک ٹاک کان بناندے نے یہ بنا بیٹھے کشمیر آپس میں اقبال کیا کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح آپس ایسی نرم ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم نبی پاک کی امت ہیں ہم پاکستان ہیں تین رشتے ہیں ہمارے آپس میں پھر بھی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے قرآن تو کہتا ہے والقاذمین الغیظ وہ غصہ پیتے ہیں والعافین عن الناس صرف غصہ نہیں پیتے معاف بھی کرتے ہیں اس لیے میرے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اسی انہوں پرمان من دے ہی نہیں جڑا کسے نہ لڑے اسی پلوان من نہیں انہوں جڑا اپنے آپ وہ تھے حضرت جو خود سے لڑتے تھے پھر میں کئی سال گزر گئے دل انجیر کھانے کو کر رہا ہے اور جنید اپنے دل سے لڑ نہیں دینے شاید آپ میں سے کسی بچے کے دل میں سوال آئے کیوں نہیں انجیر کھائی وجہ کیا وہ اپنے نفس پہ اتنی سختی اس لیے کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کا تقاضا ہی نہ کرے نفس کو پتا ہو اتنے تے حلال نہیں لبدا تے حرام کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے والآخرۃ خیر وابقا جنت کھاواں گے جا اس لیے وہ اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے تاکہ نفس کو پتا ہو کہ اتنے حلال نہیں ملدا انجیر نہیں دین دے حرام کا مانے گا یہ میری ادھر اور ہم نے اپنے نفس کی مان مان کے نفس کو خود پہ سوار کر لیا لگاما سی انہوں پانیاں سن انہیں سانو پائی جانے چھ فٹ کا بندہ ہے اتنا سا دل ہے اندر وہ دل ہمیں گھمائے پھرتا ہے وہ دل ہمیں گھمائے پھرتا ہے
हुक्मरानी है इतने बड़े जिस्म पे दिल किया, हुक्मरानी हमने दिल पे करनी। बहरहाल बात बढ़ती जाएगी, भाई नाथ खामी आया वो फरमाते हैं रोजा रखा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह रोजा रखा, वो नफ्स ने ना फिर इंजीर का तकाजा किया, अच्छा जुनैद चल आज नफ्स से सुलह कर ले और आज इंजीर खुआई है, मुरीद को पैसे दिए वो इंजीर लेके आया, जब वक्त आया इफ्तार का करीब तो इंजीर सामने रख ली और इंतजार करने लगे इफ्तार का वक्त हो मैं इंजीर से रोजा करूं, चलो आज नफ्स से सुलह कर ले। वक्त हुआ अजान शुरू हुई मगरिब की, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंजीर मुंह में रखी और रोना शुरू कर दिया और अंजीर थूक दी नीचे। मुरीद करता है अरे क्यों नहीं खाई क्यों थूक दी, फरमाया कई साल हो गए मेरा नफ्स अंजीर का तकाजा कर रहा और मैं अपने नफ्स से लड़ रहा और फिर इसने तकाजा किया, मैंने कहा चलो आज थोड़ी देर के लिए नफ्स से सुलह कर लेते और आज रोजा अंजीर से इफ्तार करेंगे, तुझे पैसे दिए तू अंजीर ले आया। जब वक्त हुआ अजान हुई मैंने रोजा खोलने के लिए अंजीर मुंह में रखी तो अंदर से मेरे नफ्स की आवाज आई, वो क्या कहता है जुनैद वेख लै फिर इन्ने साल की लड़ाई में जीती गया वा ना, फरमाया इसलिए थूक दी कि इसको जीतने ये हमारे बड़े दिन और असी एक दूजे ना लड़ा, ना को नफ्स ना लड़िया ना को शैतान ना लड़िया, पढ़ पढ़ आले फाजिल कदी अपने आप नू पढ़े नहीं। ये तो ते पीर, अब जरा मुरीद की भी सुन लो, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह बड़ी सख्त लिखा है किताबों में, बड़ी सख्त सर्द रात थी, हजरत सोए थे तो हजरत को ना हजरत पे गुस्ल वाजिब हो गया, इहतलाम हो गया सोते, ठीक है। अब ये वाला सिस्टम तो नहीं है कि जनाब वो वॉशरूम च गए थे जाके कपड़े बदले थे गर्म पानी गीजर लाया ना, अब ये नापाक हो गए गुस्ल वाजिब था, ये जुम्बी थे हालत जनाबत में थे, अब नफ्स ने ना अंदर से कहा अबू बकर लेटा रहा है सर्दी बड़ी है जब फजर का वक्त करीब आएगा तुम हाले ना, अच्छा तू चाहता कि अबू बकर सारी रात नापाक हो जाए, लिखा है कपड़ों समेत दरिया में उतर गए, कपड़ों समेत दरिया में उतर गए, रात भी ठंडी पानी भी ठंडा कपड़े भी पीले और बार बार अपने नफ्स को मुखातिब करके कहें ऊन ठीक रहे हैं ऊन ठीक रहे हैं। ये पीर की सुनी मुरीद की सुनी फिर पीर की सुन लो, हजरत जुनैद बगदादी रहा जब ये सैयद से कुश्ती आ रही है फिर एक सिलसिला तो है ना जिससे गुजरना पड़ता है, हजरत को भी गुजारा गया आपको हुक्म हुआ जुनैद मखलूक से लैदगी इख्तियार कर, लिखा है आपने 14 साल बगदाद के बियाबानों में चिल्ला कर 14 साल बाद हुक्म आया चल जुनैद बगदाद का रुख कर मखलूक को हमारी तरफ दावत दे, 14 साल बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद शरीफ वापस आ गए। अब जैसे मैं आ रहा था बच्चों ने देख लिया ठीक है, तो वो बच्चे हजरत भी आ रहे थे लोगों ने रास्ते में देख लिया, हजरत के बगदाद शरीफ पहुंचने से पहले पहले ये खबर फैल गई कि हजरत जुनैद आ रहे हैं, इससे पहले कि हजरत जुनैद बगदाद शरीफ आते सारा बगदाद हजरत जुनैद का इस्तकबाल करने के लिए बगदाद से बाहर लोगों के हाथों में फूल, जब हजरत जुनैद ने इतने लोग देखे इतने फूल देखे तो खुद को मुखातिब करके कहा ओए जुनैद वो इतने फूल अगर तुझ पे फेंके गए इतने हार अगर तेरे गले में डाले गए तो वो नफ्स जिसको 14 साल मेहनत कर करके मारा है वो तो फिर मोटा हो जाएगा। ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਿਸਬਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ ਕੋ ਗਲੇ ਚ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਦੀ ਅਲਾ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਫੁੱਲੋਂ ਹਾਰੋ ਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਨਫਸ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਕਵਾ ਥਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਨ ਲੋਕੋ ਕਾ ਕੈਸੇ ਲੋਕੋ ਸੇ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਉਂ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਯਾਮ ਮਾਦੂਦਾਤ ਫਮਨ ਕਾਨ ਮਿੰਕੁਮ ਮਰੀਦਨ ਨਾਉ ਅਲਾ ਸਫਰਿਨ ਫਇਦਤੁਮ ਮਿੰ ਅਯਾਮਿਨ ਉਖਰ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਥੇ बगदाद की हुदूद में दाखिल नहीं हुए थे आपको इजाजत थी अभी इफ्तार की उस आयत पे अमल किया, निकाली अपनी जेब में से जौ की रोटी का टुकड़ा और उसको चबाना शुरू कर दिया, लोग देख रहे थे लोगों ने कहा ये क्या क्या करके आया हजरत जुनैद 14 साल रोजा भी नहीं रखा और हमारे सामने खा रहे, लोगों ने फेंके फूल नीचे
और उठाए पत्थर और हजरत जुनैद पे पत्थर बरसाना शुरू किए। हजरत जुनैद जमीन पे इस तरह बैठ गए कि सर पे हाथ रख लिए ताकि कोई पत्थर सर में न लगे। पत्थर बरसते रहे। आप अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे ठीक रहे हैं कितों ले आई है किताबें। बोले खैर एक छोटा सा बच्चा था उसको पत्थर कोई नहीं मिला। अब गुस्सा तो उसने भी निकालना था ना। उसने कैसे निकाला? उसने आगे आके ना हजरत जुनैद पे थूका। अब लोगों के पत्थर तो बर्दाश्त कर गए लेकिन बच्चे का थूक नहीं बर्दाश्त हुआ। आप रो पड़े, आंखों से आंसू बह निकले और हजरत उसी हालत में अपने घर आए। तो कदी ओ दिल नीमा हो के देवे, तो कदी ओ दिल वटे खा के देवे। हजरत जुनैद घर आए, हिजाब उठ गए और आवाज क्या आती है, जुनैद क्यों रो रहे? अरे तुझे नहीं पता जुनैद, तेरे आंसू की हमारी बारगाह में क्या कीमत है, कितने कीमती है तेरे आंसू। बगदाद वालों को नहीं पता, अगर मैं इनको बता दूं कि हमारी बारगाह में जुनैद का मकाम क्या है, बगदाद वाले सारा कुछ छोड़ के आके तेरे दरवाजे पे बैठ गए। अब आगे भी जुनैद थे। अर्ज करते रब्बे करीब, अगर मैं भी इन लोगों को बता दूं कि तू कितना करीम है तो लोग तुझे भी सजदा करना छोड़ दे। फिर आवाज आती है जुनैद फिर इंज करने आ, आज तू बाद तू मेरे ते पर्दे पाया कर, मैं तेरे ते पर्दे पावांगा। पढ़ पढ़ा ले फाजिल कभी अपने आप नु पढ़े, पढ़िए ना सारा हुक्मराना ते पावांगा, पढ़िए रमजान यकम रमजान से पहले केले 100 रुपए दर्जन, वही केला पहले रोजे 250 रुपए दर्जन की जरदारी ने काल की थी कि नवाज शरीफ ने पढ़ लिया अपने आप, सारा उन पे तो ना डालो यार। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो कभी अपने आप नु पढ़े। ये मेरे दादा शाह परदादा शाह हुजूर अकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला, ये सियालकोट में पूरा एक रोड आपके नाम पे है। वो एवं नहीं को बंदा होता कि ना से रोड ही बन जाए, कोई बंदा होता है रोड बन जाए। खादिम अली रोड सियालकोट, वो हजरत का एक मुरीद था, गुजर बरादरी से था, उसको भी ये बीमारी लग गई। अपने आप को ना देखने में लिए, लोगों को देखने में। अब हजरत थे बड़े रकीक उलकल, कुल बुजुर्ग होते हैं ना सख्त होते हैं, कह देते हैं जरा नरम। हजरत बड़े नरम, समझ ना आए कि कैसे इसकी तरबियत करूं। बीमारी पड़ी लग गई और जिनमें बीमारी लग गई हो गया, जिसको मैं की हवा लगी उसे ना फिर दवा लगी ना दुआ गया, कहां से कैसे ट्रीटमेंट करें। वो वड्डी ईद आ गई थी ईद उल अजहा, वो हजरत ने ना एक मुरीद भेज के उस गुजर को बुलवाया। गुजरा हजरत उसको फरमाने लगे, भाई गुजरा डंगर शंगर तू वाला रखे नहीं तो तेनों पहचान भी होनी है चंगे माड़े बीमार सेहतमंद जानवर। उन्हें क्या जी जना, फिर मैं भाई ईद आ गई इसी भी कुछ जानवर लेने पे चल साढ़े ना सानू को ले ले लिया। वो बड़ा खुश होया, पीरां दा लेला लैना। हजरत उसको लेके ना जाके मंडी लगी थी चले गए। एक लेला हजरत ने पसंद किया, फिर मैं भाई गुजरा जिमें ताड़ा तरीका ना चेक करन दा जानवर उन चेक करी दे। वो अगे वधिया, उन्हें पहले खुरियां दबाइया पिछू पुट दबा के वेखी तौन चेक की कन चुक के वेखे मूँह खोल के दंद वेखे सब कुछ चंगा ना जी वाल ही वाल ठीक हो गए। दूजा रिजैक्ट, तीजा गुजर ने रिजैक्ट, चौथा रिजैक्ट। जो चौथा गुजर ने रिजैक्ट किया ना तो हजरत भी बोल आपने फरमाया गुजरा ले लिया जो नुक्स कटी आन डे जरा सोना ले ले की कह डे। पुत्र कहते हैं सिर्फ ले ले नहीं, यहां हर चीज बोलती है लेकिन सुनने वाला भी तो हो गया। इकबाल ने कहा नहीं था खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस्त अज कुजा मी आए दी आवाजें क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या दोस्त क्या दोस्त की आवाज क्या। एक फूल दियो जी गुलाब का, ये जस्टिस साहब ने किताब लिखी थी अपना गरेबा चाह, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो बेटा था जस्टिस जावेद इकबाल, अपना गरेबा चाह ये लेनी नहीं थी बाजार कोई ऐसी नहीं है किताब किसको पढ़ा जाए। मैंने वैसे ही वो मेरे मुंह से निकल गया, अब तो मैं नाम भी नहीं लेता।
तो वो उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने लिख दी हैं जो नहीं लिखनी चाहिए थी, जिड़ियाँ पर्दे च ने, पर्दे च रहने दे तेरे से तेरे रब के दरमियान। बहरहाल उसमें उन्होंने लिखा है जैसे हमारा को बाहर होना तो हम भी फरमाइशें करते हैं भाई, जब एक बार लिखते हैं कि अलामा साहब बाहर थे, मैं पिछू खत लिखे अलामा साहब ए अब्बा जी मेरे लिए रेडियो भेजना, जब तो जस्टिस जावेद इकबाल लिखते हैं कि अलामा साहब ने रेडियो तो कोई नहीं भेजा, शेर लेके भेजा, शेर की सन दया रे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। अशआर काफी ज्यादा है जो मुझे सबसे सोना, इकबाल क्या कह रहे हैं, जावेद इकबाल क्या कहते हैं, कर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, कर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। इकबाल कहते जवेद इकबाल पूछा गुलाब नु, ओए तू हरी रंग दी डोडी चू निकले है, तू हरे रंग दी डोडी चू निकले है, टाली भी हरी जड़ भी हरी, तू सुरख किवें हो गया, तैनू सुरख किने कीता है, पूछा नहीं। ते जदों तू पूछेगा ना फिर तैनू दसेगा कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा, वही खुदा है। देखो ना जरा, देखो है इसको गौर से, रेड रोज एक किड़ी कंपनी का कलर है, बर्जर दा के मास्टर दा कि ब्राइटो दा कादे नाल कीता गया होगा, ब्रश ना कीता के फौरे नाल कीता गया है, इसीलिए किसी सूफी ने लिखा था, वो कहते हैं टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरी वहदत का पता देता है, बोलती हर चीज बोलती है। फरमान लगे ले लिया तू नुक्स कढ़िया ने गुजरा भी ते सुन ले ले की कहन ने, वर्स करदा हुजूर ले ले भी कुछ कहंदे ने, फरमाया कुछ नहीं बड़ा फटा कुछ कहंदे, वर्स करदा हजरत लेला की कहन ने, आपने फरमाया लेला मनु कहन डया कि जी गुजर नु पुछो हां मेरिया तो खुरियां भी दबाइया सू, मेरी तो पिछू पुठ भी दबा के वेखी सू, मेरी तो धौन भी की सू, मेरे तो कन्न भी चुके वेखे सू, मेरा तो मूह खोल के दंद भी वेखे सू, एनू पुछो कभी अपने आप ही इंज वेखे है। मंदिर मसीती कदी मन अपने विच वड़े, एवें ही लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं, आखे पीर बुले शाह उड़ दियां फड़ना है जड़ा घर बैठा उन्हें फड़े ही करी करी अल्लाह अलाद बड़े करी जिन्ने पुत्र तुसी नौजवान पाके खलोते हो अल्लाह दा कसम है जिद्दन तुसी करन दा इरादा कर लिया फिर है इरादा है कुछ ना कसूर साडा भी चंगी नौकरी ना ना लभी ते रिश्ता नहीं चंगा लभना सारी जिंदगी एदे च। इकबाल रो के कहता है, इकबाल कहता है शिकायत है मुझे या रब खुदा वंदा ने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाक बाजी का, नौकरी और छोकरी सारी उम्र ऐसे लंघ गई है, जिन्हें नौकरी मिल गई बुढ़ी मिल गई उन्हें समझा मकसद पूरा हो बस जेल लाए। इकबाल शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदा ने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाक बाजी, नौकरी ते छोकरी नु बाहर ही नहीं आन दिता, जे बाहर कढ़े आंदा ऑडी एना ने बनानी सी, लैमन बिजनी एना ने बनानी सी, बीएमडब्ल्यू एना ने बनाने सन, ज्यादा दे इंजन एना ने बनाने सन, एप्पल एना दा होना सी, असी एना ने ते बाहर ही नहीं आन दिता। खुदा दा वास्ता जे पुत्रो जिहड़ियां गलतियां असी कीतियां तुसी ना करो, अपने बच्चियां अंदर दो खेल ना कम कर थोको, सिर्फ कही पुत्रो पढ़ना हासिल करना है मेरे बच्चे, नौकरी भी वेखी जाएगी तो दूजा काम भी वेखी जाएगा, पढ़ो। पता है पाकिस्तानियों को सदा किस चीज की मिल रही है, जो कौम नौकर होने के लिए इल्म हासिल करे उस कौम की सदा फिर नौकरी है,
यूनिवर्सिटियां भरी हैं, सारे नौकरों ले आए, पढ़न कोई नहीं आया इल्ला माशाल्लाह, सबको डिग्री चाहिए, सबका उसूल तलब मकसद मतलूब नौकरी। जो कौम इल्म नौकर होने के लिए हासिल करे उसकी सदा फिर नौकरी है, मकसद बनाइए, मकसद बनाइए। आप देख रहे हैं ना आज बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी है, उतरे भी नहीं, मकसद बना ले, फिर डट गए, बढ़िया बढ़िया गल असो भी वक्त देखा कोई रिश्ता नहीं दिया नौकरी, अजय मेरे गल नौकरी का पट्टा पिया होता तो पुत्र दलेरी ना गल मेरे को भी कोई ना जलील होए, बेइज्जत होए, बालक को मार खाती, सिर पड़वाया मैं अपने प्यो को अपना, काबा जी नौकरी नहीं जे करनी, मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी नहीं, मकसद बना लिया, जे मैं भी कितने नौकरी करके बैठा गल्ला होनी है। मैंने बेटा वो भी दौर देखा है, मैं बस से तकरीर करन गया खेड़े, खेड़े में तकरीर सर्दी बड़ी है, तकरीर हो गई जोर तो बाद बयान सी, लेट होने आने मगर बाद गड्डी कोई ना, मैं खेड़ा गया गड़ा जेल में रोड, मैं जरा तो खलोता एक बस आई उदा बड़ा तरला पाया, उन्हें कहा जी मैं तेन जेलम तक लै जेलम तक तुर गया, अगू तुम पता गड्डिया भरिया आदि ने रात पै गई बस बारह दस ग्यारह नौ दस का टाइम, ठंड अदर जी छान कटे, मैं सड़क से कला धुंद पई, एक गड्डी आई उधरू को टाइम से मेरा मुल्तान टाइम, उधर तो मैं बैठा थक मैं बड़ा गया, मैं उन्होंने कहा यार मैं ना वजीराबाद नहीं क्योंकि मैं सियालकोट जाना, मैं चादर लैके सो गया, उन्होंने भी याद कोई ना, उन्हें इधर तो मैं आके गुजरा वाला अड्डे से लाया, मेरी आँख खुली, मैं कितने आ गया, उन्हें कहा जी तो गुजरा मैं अल्लाह के बंदे वजीराबाद उतरना, उन्होंने मैं सियालकोट की गड्डी कितों लवान रात बारह एक दो, उन्हें कहा जी बस मैंने हैरी रिक्शा लिया सियालकोट बाईपास से आ गया, दो बजे दे गड्डी खलो रहा ठंड जान कटे, एक अदरी हुंडाई डाला आया इमाल के लैके सरगोदे सियाल मैं उन्होंने हाथ दिता, उन्हें रोके रात का टाइम है तभी कौन रोक किन्नी है जी गड्डिया लंघ गई, एक ने अदरी खिला वो अगे पहले तीन बैठे थे, कहना जी मैं यार सियालकोट जाना है गड्डी आने की ठंड बड़ी है तो हूँ ठंड बर्दाश्त भी नहीं होती, उन्हें कहा जी मौलवी जी हूँ अगे तो पा सकते नहीं कोई रह के पिछे मारते हैं ना बह के जाना खड़ा उत्ते छत भी कोई नहीं, मैं रही होते एवं नहीं सुते रहते बड़ा, लेकिन मकसद बना लिया, मकसद बनाओ मेरे बच्चे जोड़ा पैसा तेरे मुकद्दर से उतरो रोक कोई नहीं, मकसद बनाओ हूँ सारा ताे दे असी तो रोड बैठे सारे है जिन्हें बैठे दे रोड छड़िया हूँ ताे दे उठो कोई काम करो पाकिस्तान सुनो फिर काम ऐन होंगे तो गल खत्म ना भाई अनाथ खां भी आया है वो जो है ना नहीं मैं सही भाई अनाथ खां वो जो है ना नहीं मैं वो नहीं अल्लाह सलाम सारे साढ़े नहीं अल्लाह सलामत रखे वो उस्ताद फरमाते हैं जी पट्टो ने पे बड़े मेहमान नवाज बहुत मेहमान फिर मैं मेहमान से बोलांगा गल फिर लंबी हो जाए फिर कहते मैं पाकिस्तान को जाते पॉकेट साइज डायरी लै गया जी गल उन्होंने चंगी लगती मैं रिपोर्ट देनी सी मैं नोट कैमरा पसंद मैं कैमरा लिया आके जिस टाइम निकलन लगना जापानी के बच्चे प्यार करके ना मैं बड़े तरीके कैमरा पड़ा छाया जापानी बड़ा तपया उन्हें कहा जी मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे मैं मेहमान नवाजी का बदला नहीं साढ़े नबी पाक अलैहि सलाम के फरमाने मुबारक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत देगी मैं तो चल फिर पता नहीं मुलाकात होए ना होए जो भी तू कैमरा यूज करेगा मैं तेन याद आवगा कहने ठीक
ਟੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੀਦ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਸੀਦ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਸੀਦ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਪਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਪਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਾ, ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ 40% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, 40% ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਈ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਜਪਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਖਤਮ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 10 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਪਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਐਡਾ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਪਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਕੋ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਿਸਬਾਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਐਡੇ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਆ ਤੇ ਆ ਉਹ 5,000 10,000 ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ 25 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੁਝ 100 ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ। ਸੈਯਦੁਨ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ, ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਦਰਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਥਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਮੇ ਥਾ, ਕੋਈ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਥਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਥਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਤਾ ਥਾ ਸ਼ਾਨੇ ਉਮਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਸਤਾ ਬਦਲਤਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਤਾਰੂ ਜਿਤਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਮਿਨੀਨ ਯੇ ਜੋ ਸੂਟ ਆਪਨੇ ਪਹਿਨ ਰੱਖਾ ਹੈ ਯੇ ਵਹੀ ਸੂਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮਿਲਾ ਮੁਝੇ ਵੀ ਮਿਲਾ, ਜਿਤਨਾ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ ਉਤਨਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮਿਲਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਆਪਸੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਬਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਕੈਸੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਗਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? اب جواب سنو اور بات ختم جی۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹا اٹھ کے کہتا بھائی تو سچ آکھیا ہے، جنہ تینوں او نہیں میرے لو میں نہیں، تیرا اوکھا بنیا انہاں دا بن ہی نہیں سکدا۔ انہاں کہے جی بنیا کیویں؟ آپ نے فرمایا بھائی میں بھی اپنا سوٹ امیر المومنین دی بارگاہ پیش کیتا، آپ دا سوٹ دو سوٹ ملا کے بنیا ہے۔